लोटे से किस तरीके से खड़े खड़े ही आप अपनी खिसकी हुई नाभि को सेट कर सकते हैं, आज हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि नाभि के खिसकने से किस तरीके से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही साथ नाभि को चेक कैसे करें कि हमारी नाभि जो है वो जगह से खिसकी हुई है, उसको भी घर बैठे हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जिस पर्सन की जो है नाभि खिसक गई है उसको इस तरीके से लेटा देना है। लेटाने के बाद ये आप पोजीशन देख सकते हो, बिल्कुल उसको आपने स्ट्रेट लेटाना है और उसके हाथ जो है बिल्कुल इस तरीके से सीधे होने चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आप देख रहे हो, आपने पांचों उंगलियों को जो है इस तरीके से जोड़ देना है, और ये जो नाभि का ये जो बिल्कुल दिख रहा है आपको बीच का एरिया, इस पर इस तरीके से आपने रखना है और हाथ जो है आपने ऊपर की तरफ रखना है, यानी ये आपका होना चाहिए। अब देखिए जैसे हमारा दिल धड़कता है उसी तरीके से हमारी ये नाभि धड़केगी। अगर नाभि हमारी सेंटर में धड़क रही है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो मान लीजिए नीचे की तरफ यानी नाभि से नीचे की तरफ धड़क रही है तो आपको इसके क्या सिम्टम्स होंगे, आपको दस्त और कब्ज की समस्या होगी, और अगर आपकी ऊपर की तरफ ये नाभि खिसकी हुई है तो आपका जी मचलाएगा और आपको बहुत ज्यादा घबराहट होगी। लेकिन उसके अलावा अगर ये राइट या लेफ्ट तरफ जाती है तो इससे क्या होगा, आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, पेट की समस्याएं आपको ज्यादा रहेंगी, और साथ के साथ जिन महिलाओं की ये नाभि खिसकी हुई होती है उनको तो पीरियड्स तक लेट आने में भी समस्या हो सकती है। तो एक नाभि को सेट रखना हमारी पेट के रोगों से बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि नाभि को ना आपने लेटना है ना बैठना है, सिर्फ खड़े होकर 10 सेकंड के अंदर जो है आप अपनी नाभि को सेट कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना है ये लोटा, लोटा आप देख सकते हो, आप किसी भी शेप का लोटा आपने ले लेना है, इस शेप का लोटा होना चाहिए। साथ में आपने क्या करना है, आपने लेना है एक सूती सा कपड़ा, इस सूती कपड़े को आपने क्या करना है, ये पानी इसके अंदर जो है हल्का सा आपने पानी लेना है, ताज़ा पानी भी आप ले सकते हो, और फिर आपने जो है इसको इस तरीके से निचोड़ देना है। ये पानी आपने इतना ही रखना है, ये देखिए इतना सा गीला होना चाहिए आपका सूती कपड़ा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आप लोटा देख रहे हो, लोटे के अंदर इस कपड़े को आपने इस तरीके से डाल देना है, और थोड़ा सा कपड़ा जो है आपने इस तरीके से बाहर की तरफ ही रखना है, और इसको जो है ये देखिए, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है अपनी नाभि पर, ये थोड़ा सा हिस्सा बाहर रहेगा, नाभि पर इस तरीके से लगाना है। फिर दूसरा हाथ आप ध्यान से देखिए, दूसरा हाथ बिल्कुल आपके जो है, पकड़िए एक मिनट, दूसरा हाथ जो है आपके बिल्कुल जहाँ पे नाभि है, नाभि के सीध में बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, और आपने जो है हल्का सा दबाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाएंगे, बिल्कुल हल्के से आपने इस तरीके से दबाना है। आपने ऐसे सिर्फ देखिए 20 से 30 सेकंड के लिए दबा के रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस दुपट्टे को जो है आपने इस तरीके से बाहर की तरफ खींच देना है। ये देखिए ये लोटे की अब जो है यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गई है, तो इस तरीके से ये जो आपकी वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन याद रहे आपको सिर्फ ये 10 सेकंड के लिए लगा के रखना है, 10 सेकंड से ज़्यादा लगा के ना रखें। अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से आपकी जो नाभि कहीं भी किसी भी तरफ खिसकी हुई है तो वैक्यूम जो है उसको अपनी तरफ खींचेगा और आपकी नाभि जो है बिल्कुल वो सही पोजिशन पर आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको दबाना है, हल्का सा आप दबाएंगे और उसके बाद जो है आपने इसको हटाना है। इससे क्या होगा, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, अब एक बार और देख लीजिए, इसको आप पेट को इस तरीके से दबाएंगे और 10 सेकंड के बाद आप इसको इस तरीके से हटा देंगे। यहां आप देख सकते हो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से नाभि भी कितनी फूल गई है। तो इस तरीके से आप सिर्फ 10 सेकंड के अंदर खड़े खड़े इसी पोजीशन में जो है आप अपनी नाभि को सेट कर सकते हैं। और धन्यवाद।